नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड फर्स्ट पार्ट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+7 इंटीग्रेशन। जब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वेयर में बना लेते हैं। तो ये हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+7 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4+3। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2 × 2x+2² + 3। ये हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं x+2² + 3 इंटीग्रेशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2² + √3². अब ये हमारे पास आ गया 1/(x²+a²) टाइप, वो फॉर्मूला होता है 1/(a) tan inverse x/a। तो यहाँ पर जो है इसको x या पूरा t बोल सकते हैं, तो t/dx बन जाएगा +c। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x-4। अब हम यहाँ पे -4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1-5। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वेयर बन जाएगा x+1 का। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1² + √5². अब ये हमारे पास बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास है 1/(x²-a²) का फॉर्मूला होता है 1/2a log(x-a)(x+a)/c। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट हमारे पास है डी एक्स अपॉन 4x²-4x+3। सबसे पहले हम 4 को कॉमन लेंगे, तो 1/4 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, 1/4 को ऐड करेंगे, 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा 1/4 डी एक्स अपॉन, ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा x-1/2 का, x-1/2². इसको इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/√2² अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास x²+a²। तो ये टेन इनवर्स का ये हो जाएगा 1/a, यानी कि 1/a tan inverse x-x/a+c। इसको सोल्व करके लिख सकते हैं 1/√2 tan inverse 2x-1/√2+c। अब उसके बाद जो है हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है dx/dx/3x²+13x-10। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन dx/x²+13x-10/3। अब इसको हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको अगर मैं 2ab की फॉर्म में लिखूं तो 2 × 13/6 × x लिख सकते हैं, और हम इसमें जो है अब 13/6 का स्क्वेयर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 169/36 एंड -169/36 -10/3। अब ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा इंटीग्रेशन dx/x+13/6² और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 289/36। ये होता है हमारे पास 17/6² ये 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 13/6² -17/6². अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2a log(x+13/6) - 17/6) / x+13/6) + 17/6) + c। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1/17 log(mod)3x
माइनस टू अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस सी। अब उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री थर्टीन। इसको हम सबसे पहले नाइन को कॉमन लेंगे, नाइन को कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन नाइन एक्स प्लस थर्टीन अपॉन नाइन। अब हम इसमें क्या करेंगे, वन अपॉन नाइन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको जो हमारे पास ट्वेल्व बाय नाइन एक्स है इसको तो कट करके आ जाएगा फोर बाय थ्री एक्स, एंड इसमें हम फोर बाय नाइन ऐड करेंगे और फोर बाय नाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन नाइन कॉमन डी एक्स अपॉन ये आ जाएगा एक्स प्लस टू बाय थ्री होल स्क्वेयर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा वन प्लस वन। इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर टेन इनवर्स का हो जाएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस टू अपॉन थ्री प्लस सी। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव डी एक्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड देन कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस फोर टी प्लस फाइव। इसको हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस फोर टी प्लस फोर प्लस वन फाइव को लिख सकते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस टू का होल स्क्वेयर और प्लस वन। ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस टू प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस टू प्लस सी। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन फाइव टेन स्क्वेयर एक्स माइनस ट्वेल्व टेन एक्स प्लस फोर्टीन डी एक्स। यहाँ पे हम पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन फाइव टी स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व टी प्लस फोर्टीन। अब यहाँ से पहले फाइव को कॉमन लेंगे, फाइव डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव टी प्लस फोर्टीन अपॉन फाइव। अब हम इसमें इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव टी, और इसमें हम थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे और थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास टी माइनस सिक्स अपॉन फाइव होल स्क्वेयर। वन अपॉन फाइव हमारे पास कॉमन था, ये टी माइनस सिक्स अपॉन फाइव होल स्क्वेयर, एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा थर्टी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन इनवर्स का फॉर्मूला, तो वन अपॉन ए यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं रूट थर्टी फोर अपॉन फाइव का होल स्क्वेयर, यानी कि वन अपॉन ए करेंगे तो रूट थर्टी फाइव, और अगेन हमारे पास ऊपर आ जाएगा फाइव टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास है थर्टी फोर अपॉन फाइव प्लस सी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वन अपॉन रूट थर्टी फोर टेन इनवर्स ये आ जाएगा फाइव टी माइनस सिक्स अपॉन रूट थर्टी फोर प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थर्टी फोर टेन इनवर्स फाइव टेंजेंट एक्स माइनस सिक्स अपॉन रूट थर्टी फोर प्लस सी। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर को टी, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन टू डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी, हम इसमें वन बाय फोर ऐड करेंगे और वन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वन बाय टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये बन जाएगा टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वेयर, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन इनवर्स का, तो वन अपॉन टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा वन अपॉन रूट थ्री
टेन इनवर्स टू टी की वैल्यू अगर पुट कर दो तो एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी जो है आ जाएगा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन थ्री ई रेस टू द पावर टू एक्स प्लस टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस फोर डी एक्स। अब ई एक्स को पुट करेंगे हम यहाँ पे टी, तो ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा डी टी अपॉन थ्री टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस फोर। यहाँ से हम थ्री को कॉमन लेंगे तो डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टू टी अपॉन थ्री प्लस फोर बाय थ्री। अब इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टू टी अपॉन थ्री प्लस वन बाय नाइन एंड माइनस वन बाय नाइन, तो वन बाय थ्री डी टी अपॉन, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा टी प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वेयर, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा इलेवन अपॉन नाइन। ये बन जाएगा फॉर्मूला टेन का, तो वन अपॉन ए इसको हम लिख सकते हैं रूट इलेवन अपॉन थ्री का होल स्क्वेयर, तो वन अपॉन ए एंड टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी, तो थ्री से थ्री कैंसिल, वन अपॉन रूट इलेवन टेन इनवर्स थ्री इसको एलसीएम लेंगे तो थ्री टी की वैल्यू पुट करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन आ जाएगा रूट इलेवन प्लस सी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका है हमारे पास। सबसे पहले हम लेंगे जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर को लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एंड प्लस बी। तो अब हम करेंगे एक्स इक्वल टू इसका डेरीवेटिव आ जाएगा टू एक्स प्लस वन और प्लस बी। अब हम यहाँ से कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे, एक्स का कोफिशेंट इधर वन है और इधर हमारे पास है टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, और जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो जीरो, इधर से ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू वन बाय टू यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय टू। अब वापस यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, हमारे पास था एक्स इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी। अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू जो है हमारे पास वन बाय टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, इसको भी हम ऐसे ही नीचे ये करके और मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, और बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन डी एक्स। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ये वन अपॉन टू, ये हमारे पास टी, ये हमारे पास डी टी, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एंड माइनस वन बाय टू। अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय परफेक्ट स्क्वेयर मेथड से जो अभी अभी हमने किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है और इसमें हम जो है ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ टर्म, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वन को लिख सकते हैं वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर एंड प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वेयर। ये एज इट इज आगे हमारे पास वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन मोड ऑफ माइनस दिस, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन बाय टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन इनवर्स का फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी, टू से टू कैंसिल, और ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स, ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी जो है हमारे पास बन जाएगा। अब उसके बाद है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, न्यूमिरेटर को एक तरफ ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा फोर एक्स प्लस वन एंड प्लस बी, यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशेंट को फोर ए इज इक्वल टू थ्री, तो ए की वैल्यू है थ्री बाय फोर, और यहाँ से करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस ए, और ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगी वन बाय फोर, तो ए की वैल्यू आपके पास है बी की वैल्यू आपके पास है, पुट करते हैं इंटीग्रेशन थ्री बाय फोर डेरीवेटिव था फोर एक्स प्लस वन अपॉन
हमारे पास गिवन है 2x² + x + 1 dx, बी की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1/2x² + x + 1 dx। अब यहाँ से 3/4 कॉमन, ये टी है ये डी टी है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x² + x + 1 एंड +1/4, 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 8 इंटीग्रेशन 1/x² + x/2 + 1/2 dx। अब हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे। इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हम जो है इसमें 1/16 को ऐड करेंगे और 1/16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 1/4 का होल स्क्वेयर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 7/16। इसको लिख सकते हैं x/1/4 का स्क्वेयर एंड +√7/4 का होल स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा 3/4 लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x² + x + 1 + 1/8, ये 1/a टेन इनवर्स x/√x/a + c। तो ये आ जाएगा ये 3/4 लॉग ऑफ 2x² + x + 1 + 1/√7 टेन इनवर्स 4x + 1/√7 + c जो है ये आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर थ्री में स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 1-3x/3x² + 4x + 2 dx। अब इसको सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो ये a इंटू डेरीवेटिव आ जाएगा 6x + 4 एंड +b। इसको कंपेयर करेंगे तो 6a = -3, a की वैल्यू -1/2, ये 4a + b = 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1-4a, तो 1-4a की वैल्यू -1/2, तो 2 से ये 2 और ये -+, यानी कि टोटल 3 आ जाएगी b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन, a की वैल्यू हमारे पास थी -1/2, डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर एंड +b की वैल्यू 3 dx अपॉन, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब ये हमारे पास है t और ये dt, ये डेरिवेटिव, तो ये dt बन जाएगा, तो ये log ऑफ 3x² + 4x + 2 का मोड +3। इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे, उसके लिए हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 3/3 ये कैंसिल हो के 1, तो dx/x² + 4/3x + 2/3। अब इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए x² + 4/3x + 4/9 एंड -4/9, ये बन जाएगा x + 2/3 का होल स्क्वेयर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2/3 का होल स्क्वेयर। तो वहाँ पे इसको पुट करते हैं हम, ये -1/2 log ऑफ 3x² + 4x + 2 एंड प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dx/x + 2/3 का होल स्क्वेयर एंड -√2/3 का होल स्क्वेयर। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये बन जाएगा टेंजेंट की फॉर्म में, तो 1/a टेन इनवर्स x/a + c, तो ये आ जाएगा -1/2 log ऑफ मोड ऑफ 3x² + 4x + 2 एंड +3/√2 एंड टेन इनवर्स 3x + 2/√2 + c। अब उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट दे रखे हैं इंटीग्रेशन 2x + 1/18 - 4x - x² dx। तो इसको भी निकालेंगे, 2x + 1 = a इंटू डेरीवेटिव -2x - 4 + b, यहाँ से -2a = 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको करेंगे तो -4a + b = 1, तो b की वैल्यू 1 + 4a, तो a की -1 है, तो 1-4 = -3 जो है वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा i = इंटीग्रेशन, a की वैल्यू -1 थी, तो -1 × -4 - 2x / 18 - 4x - x² dx एंड -3 dx / 18 - 4x - x²
सबसे पहली बात माइनस तो कॉमन, ये हमारे पास है पूरा डी टी, इसको जब टी करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 3, इसको जब परफेक्ट स्क्वेयर बनाएंगे तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन, ये है हमारे पास 18, इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 4x प्लस 4, तो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर और ये रूट 22 का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 22 का होल स्क्वेयर एंड माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग की टर्म में, तो माइनस लॉग ऑफ 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 3, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मोड एंड प्लस सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 डी एक्स, इस ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ए इंटू, डेरिवेटिव करेंगे तो ये 6x प्लस 4 एंड प्लस बी, यहाँ से 6x इज इक्वल टू ए एंड ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस बी इक्वल टू माइनस 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 माइनस 4a। जब यहाँ पर बी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 अपॉन 3। अब हम पुट करते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 एंड 6x अपॉन प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 डी एक्स एंड माइनस 13 अपॉन 3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास बन जाएगा t और ये पूरा dt, तो 1 अपॉन 3 log ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 एंड माइनस 13 अपॉन 3, इसको जब हम करेंगे परफेक्ट स्क्वेयर में 3 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 13 अपॉन 9 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई 3x प्लस 5 बाई 3, इसमें हम क्या करेंगे 4 बाई 9 को ऐड करेंगे और 4 बाई 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वेयर बन जाएगा x प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वेयर और इसको इसको करेंगे ऐड तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 अपॉन 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 एंड माइनस 13 अपॉन 9 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वेयर एंड प्लस रूट 11 बाई 3 का होल स्क्वेयर। अब ये होता है टेन इनवर्स की फॉर्म में, तो 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 13 अपॉन 9 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ मोड ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 एंड माइनस 13 अपॉन 3 रूट 11 एंड टेन इनवर्स 3x प्लस 2 अपॉन रूट 11 प्लस सी। उसके बाद जो है हम करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स्थ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एंड रूट एक्स प्लस 3, हम इसमें पुट करेंगे एक्स प्लस 3 रूट को टी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 2t dt और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस 3, इसमें पुट करते हैं इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2 इंटू टी, जो है हमारे पास ये बन जाएगा, ओ ये ब्रैकेट नहीं है भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 2, ये है x प्लस 2, ये पूरा रूट x प्लस 3, तो इसको हमने t पुट किया ये dx एक्स dt, तो x की वैल्यू t स्क्वेयर माइनस 3 एंड प्लस ये जो है अलग ड्रम है और 2 को मल्टीप्लाई किया है 2
टी से, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 3 एंड प्लस 2t। अब इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन 2t प्लस 2 एंड माइनस 2 dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3। अब उसके बाद जो है हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3 dt एंड माइनस 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3। ये है हमारे पास, इसको अलग वैल्यू पुट कर देंगे u, ये हमारे पास बन जाएगा du, तो ये आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 2t एंड माइनस 3 माइनस 2। इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वेयर, ये आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 2t, 3 को हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 4, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा t प्लस 1 का। तो ये log ऑफ मोड ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3 एंड माइनस 2 dt अपॉन इंटीग्रेशन t प्लस 1 का होल स्क्वेयर एंड माइनस 2 का होल स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ मोड ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3 माइनस 2। ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए जो है बन जाता है प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 3 एंड माइनस 1 बाय 2 log ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 बन जाएगा ये अपॉन एक्स प्लस 3 रूट प्लस 3 प्लस सी जो है बन जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर